हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड DVGD स्टेज 3। जैसा कि आपको पता है कि स्टेज 2 आपका कंप्लीट हो चुका है और बहुत से बच्चे स्टेज 3 का इंतजार कर रहे हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट हो चुका है और स्टेज 3 के रिगार्डिंग एक अपडेट आया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, हमने लगा के रखा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आया है। तो इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, तो इसी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो दूसरा देखने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप मिस कर देंगे या स्किप कर देंगे वीडियो को, तो आपको पछताना पड़ेगा बाद में। सो वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा होने वाला नहीं है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ऐसे ही हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। और अभी तक आपने मेरिट लिस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जाके कोस्ट गार्ड का जो प्लेलिस्ट बनाया उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे स्टेज 3 का इंतजार कर रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आ चुका है और अपडेट क्या है सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। तो मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप जरूर ऐड हो जाइएगा। सो वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, जब भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सो अपडेट आपको कर देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है इसको ही हम देख लेते हैं। इसको हमने डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है, सो आपको दिखा देते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये PDF ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और स्टेज 3 के लिए बैच के लिए जो 2022 बैच का है, फर्स्ट आपका जो मेरिट लिस्ट आने वाला था उसका रिगार्डिंग स्टेज 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट अपीयर्ड इन स्टेज 2, जो भी आपका अपीयर्ड हुए थे स्टेज 2 में, और रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टेज 3, आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या तैयार करने हैं उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट आया है। सो वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज 2 एग्जामिनेशन फॉर CGEPT 1/2022 बैच हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस सून। आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज 2 का एग्जामिनेशन हुआ है, जो उसका रिजल्ट जल्द ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया अपडेट सून कर दिया जाएगा। द लाइकली डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर स्टेज 3 इज ईयरली मिड फरवरी, और स्टेज 3 मिड फरवरी 2022 फॉर नाविक GD एंड यांत्रिक कैंडिडेट। आपको जो स्टेज 3 होगा आपका कब होगा, मिड फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा 2022 में, मिड फरवरी में, मतलब कि आपका मेरिट लिस्ट जो आने वाला है जनवरी में आएगा, मिड फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा आपका स्टेज 3। ये सिर्फ GD और यांत्रिक कैंडिडेट के लिए। द लाइकली डेट फॉर रिपोर्टिंग स्टेज 3 इज अर्लियर मिड अप्रैल 2022 फॉर नाविक DB कैंडिडेट। और सबसे पहले आप देख लीजिए GD और यांत्रिक, GD और यांत्रिक का बात कर ले तो इनको कब स्टेज 3 कंप्लीट कराया जाएगा, मतलब कि स्टेज 3 होगा तो स्टेज 3 होगा इनका कब होगा, मिड फरवरी में, मिड फैब में होगा, क्योंकि ये SSR के साथ बैच बनेगा इनका। और उसके बाद बात कर लेते हैं DB का, तो DB का जो बैच बनेगा वो MR के साथ बनेगा। तो MR का आपको पता होगा, मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया, तो MR के साथ इसका बनेगा। तो इसका जो आपका स्टेज 3 कंडक्ट कराया जाएगा वो मिड अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख रखा है, और यहाँ पे ऑल कैंडिडेट, यहाँ पे दो नंबर पर अपडेट क्या है, ऑल कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन आर डायरेक्टेड टू प्रिपेयर द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टेज 3 इन एडवांस। आपको स्टेज 2 में जो भी बच्चे गए थे वो आपको क्या करना है, आपको स्टेज 3, क्योंकि आप क्वालिफाई कर चुके हैं और आपको स्टेज 3 में के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्शन फॉर स्टेज 3 एज द टाइम गैप बिटवीन रिसिप्ट ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 3 एंड द रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर स्टेज 3 एट INS चिल्का मे नॉट बी सफिशियंट टू प्रिपेयर दिस रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट। और आपको हमने जैसे बताया कि आपका सबसे पहले मेरिट लिस्ट ही कंडक्ट कराया जाएगा, तो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद जो आपका होगा स्टेज 3 INS चिल्का में ही होगा, होने वाला है स्टेज 3। और इसका एडमिट कार्ड और जब आएगा तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिए। सो इसलिए अभी से ही अपडेट आ चुका है कि आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, और डॉक्यूमेंट में क्या क्या तैयार करना है नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। बस अभी आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि आपका DB का जो मिड फरवरी में आपका कंडक्ट कराया जाएगा स्टेज 3, मतलब कि स्टेज 3 में फाइनली मेडिकल ही होगा। और उसके बाद दो स्टेज 2 का बात, सॉरी स्टेज 3 का अगर GD और यांत्रिक का बात कर ले तो इसको आपको मिड फरवरी में जाने वाला है, मिड
फरवरी में जाने वाला है। तो दो चीज़ ये नोट कर लीजिए, दो अपडेट है। और स्टेज थ्री के रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको जब एडमिट कार्ड आएगा स्टेज थ्री का, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, सो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। सो डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी पता चले। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।